बजाज फाइनेंस कंपनी की फर्जी वेबसाइट खोलकर लाखों रुपए ठगने के आरोप में एक गिरफ्तार। पुलिस सूत्रों के अनुसार पिछले अप्रैल महीने में बजाज फाइनेंस कंपनी ने विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके कई ग्राहकों ने उनसे शिकायत की है कि कुछ लोग उनके कंपनी के नाम और लोगों का इस्तेमाल करके आम लोगों को कर्ज देने का वायदा कर रहे हैं और आरोपी उन लोगों से अलग अलग तरीकों से पैसे ले रहे हैं जो उस कर्ज को लेने में दिलचस्पी रखते हैं। इस तरह संगठन ने आरोप लगाया कि आम लोगों ने लाखों रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी करना कबूल किया है। घटना की जांच में पुलिस को पता चला कि एक गिरोह बजाज फाइनेंस के नाम और लोगों का इस्तेमाल कर फर्जी वेबसाइट बनाकर घोटाला कर रहा था और आखिरकार विधाननगर साइबर क्राइम की पुलिस ने पानीहाटी इलाके में छापेमारी कर बासिती श्रीकांत नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 17 ATM कार्ड, 6 सिम कार्ड, 3 मोबाइल फोन समेत कई दस्तावेज बरामद किए हैं। आरोपी को आज विधाननगर कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस उसे अपनी हिरासत में लेने का अनुरोध करेगी। फिलहाल विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस इस गिरोह के अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। Beep!